आज का टॉपिक है हमारा विंडोज एक्सप्लोरर। और जब भी हम किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने जो खुल रहा होता है ये पूरा कहलाता है विंडोज एक्सप्लोरर। इसको हम अलग से भी खोल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अगर हम टाइप करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर तो यहाँ पे देखिए विंडोज एक्सप्लोरर लिखने पर ये खुल जाएगा। वो बिलाल आएगा, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर तो हमारे सामने खुल जाएगा, जिसको हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जान रहे होते हैं। तो ये विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर क्या काम करता है, ये हमें हमारे जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है और विंडोज़ पे जो हार्ड डिस्क होती है इसके ऊपर जो हमारा डेटा सेव हो रहा है, डिफरेंट फोल्डर्स और वगैरह फाइल्स वगैरह सेव हो रही होती है, उनको अरेंज करने में, उनको विजिबल करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। किस तरह से कर रहा होता है इसको अभी हम देख लेते हैं। तो इसको अभी हम देखते हैं, ज़रा वॉइस कंट्रोल बढ़ा लूँ मैं इसको ज़रा। तो किस तरह हेल्प कर रहा होता है ये देखिए, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमें क्विक एक्सेस नज़र आ रहा है। क्विक एक्सेस में हमें वो आइटम नज़र आएंगे जो हमने अभी रिसेंटली ओपन किए होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने फाइल्स ओपन की होंगी वो क्विक एक्सेस में नज़र आ रही होंगी, उनको मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस भी कर सकता हूँ। सेकेंडली यहाँ डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड्स पे क्लिक करने पर यहाँ पे वो तमाम डाउनलोड्स चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो मैंने डाउनलोड कर रखी हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो ये डाउनलोड वाला सेक्शन नज़र आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी आइटम्स या फोल्डर्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा फोल्डर जो है इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके लेटेस्ट के फोल्डर में जाएंगे, इसमें क्या आ रहा है और ये यहाँ पे नज़र आएगा जो इसमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या नज़र आने वाला होता है, यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे जो भी हमारे फोल्डर्स वगैरह फाइल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या फाइल्स एंड फोल्डर है वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। और उसके बाद आपने जो है देखना है पिक्चर्स के अंदर क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, म्यूजिक के अंदर क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, वो सारा आपको वन विंडो ऑपरेशन में नज़र आ रहा होता है, जिसको आप कह रहे होते हैं फाइल एक्सप्लोरर। अब ये हिस्सा फाइल एक्सप्लोरर का क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं नेविगेशन, क्या कहते हैं। और ये हमारी वो एरिया है जिस पर वो दिखाएगा कि इस पर कौन सा डेटा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्लिक करेंगे, इसके अंदर डेटा क्या है वो यहाँ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे इस पर डेटा क्या है वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, और इस पर क्या डेटा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आपने इस एरिया के बारे में जानना है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं टैब, इसे हम कहते हैं टैब, ये है सॉरी रिबन, रिबन के अंदर मौजूद है टैब। ये होम टैब है, ये शेयर टैब है, ये व्यू टैब है, लाइब्रेरी टूल्स है, पिक्चर टूल्स है। इन टैब्स के अंदर मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, ये क्लिपबोर्ड का पैनल है, ऑर्गेनाइज का पैनल है, न्यू का पैनल है, ओपन का पैनल है, सिलेक्शन का पैनल है, और इनके अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं। इस तरह ये शेयर का पैनल है, व्यू का पैनल है, लाइब्रेरी टूल्स हैं, पिक्चर टूल्स हैं। अगर आप होम में आएँ और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से अगर आपने देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल व्यू के अंदर, टैब के अंदर अगर हम आते हैं तो व्यू के टैब में हम इस नेविगेशन को चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। वंस अगर हम नेविगेशन को ऑफ कर देंगे तो फिर हमें तमाम फोल्डर्स के अंदर नेविगेशन नज़र नहीं आएगा। जब भी हम कोई फोल्डर खोलेंगे वो विदाउट नेविगेशन खुलेगा, क्योंकि ये सारे फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर में ही खुल रहे होते हैं। फिर से अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे नेविगेशन पर और ये वन विंडो ऑपरेशन आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद डिटेल्स पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल्स पेन खुल जाएगा। अब किसी भी आइटम, आइटम का मतलब क्या है, कोई फाइल है, फोल्डर है या ऐप है, तो उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो आप उस पर क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ नजर आएगी, जैसे उसका नाम, उसकी टाइप, उसका फोटो, डेट टेकन, डायमेंशंस वगैरह सब चीज़ें यहाँ नजर आएगी। उसके बाद अगर आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स में करते हैं, स्मॉल आइकन्स में करते हैं, टाइल्स पे करके देखते हैं, लार्ज आइकन्स में करके देखते हैं, लिस्ट पे करके देखते हैं, कॉन्टेंट में करके देखते हैं, मीडियम आइकन्स में देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं, ये आपको ऐसे नजर आएगा। स्मॉल आइकन्स, लार्ज आइकन्स ऐसे करके देख सकते हैं। डिटेल्स को ऑफ कर दें, प्रीव्यू पैन को एक्टिवेट कर लें। यहाँ से आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पे जाके आपने प्रीव्यू पैन पे देखना है तो कोई भी पिक्चर या फाइल जो आप क्लिक करेंगे तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नजर आएगा। मतलब विदाउट ओपन एनी फाइल यू कैन सी इट्स कंटेंट, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है। मतलब देखिए इस पिक्चर में क्या है, यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके अंदर स्मॉल आइकन्स के बाद लार्ज आइकन्स, लिस्ट आइकन्स और लार्ज आइकन्स का। अब यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डिफरेंट आपको फाइल्स नज़र आ रहे हैं। डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर फाइल के नाम,
और यहाँ पे लिखा आ रहा है उसका डेट, किस टाइम पर उसको मॉडिफाई किया था, और यहाँ पे लिखी आ रही है उसकी टाइप। तो यहाँ पे डिटेल में करने का क्या फायदा है? देखिए, इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर आप नेम पे क्लिक करेंगे तो तमाम फाइल्स नेम ऑर्डर में, यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी। देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ एक दफा, तो ये देखिए मेरी सारी फाइल्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज हो गई। पहले नंबर से शुरू होने वाले फोल्डर का नाम, फिर ए से शुरू होने वाले फोल्डर के नाम, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर आई, और फिर इस तरह आखिरी फोल्डर जो मेरा बना हुआ था वो बना हुआ होगा जेड के नाम से। उसके बाद फाइल का सेगमेंट शुरू होता है, तो पहले नंबर से शुरू होने वाली फाइल के नाम, फिर ए, फिर बी, फिर सी, और फिर आखिरी फाइल का आता है जेड से। तो इसने अल्फाबेटिक ऑर्डर में उन फाइल्स को अरेंज कर दिया। वंस अगेन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसको अपोजिट कर देगा, मतलब पहले जेड से शुरू होने वाले फाइल के नाम, फिर डब्ल्यू, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर फोल्डर में जेड, फिर आखिर में ए वाला फोल्डर आएगा। तो इस तरीके से आप अपने सर्चिंग मेथड को पहले से बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन पे आते हैं, डेट मॉडिफाइड। तो अगर जब आप इस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पहले ये इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेट्स दिखाएगा। तो मैंने एक दफ़ा क्लिक कर दिया तो इसने असेंडिंग 14 जून को जो फोल्डर बना, फिर 12 जून को, फिर 25 मई को, तो ये जून से उल्टा चलता जा रहा है। वंस अगेन अगर क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, तो अब देखिए कैसे दिखा रहा है आपको, फिर 12 दिसंबर, फिर 8 दिसंबर, फिर 23 दिसंबर, फिर 10 जनवरी, अब ये दिसंबर से जनवरी, जनवरी से मार्च, अप्रैल, इस तरह से आपको दिखाता जा रहा है फोल्डर्स एंड फाइल्स के नाम। ऐसा हम क्यों करेंगे भाई? ऐसा हम इसे करेंगे कि अगर हमने कोई क्लिक करेंगे तो ऊपर नीचे होने से हमारा जो फोल्डर है वो ऊपर भी आ सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, सर्चिंग मेथड आसान हो जाएगा। अब अगर आप टाइप पे काम क्लिक करेंगे तो क्या होगा? अभी देखिए सारी मल्टीपल फाइल्स जो आपको नजर आ रही हैं वो एक दूसरे में मिक्स हुई हुई है। पहले कोई वर्ड की फाइल आ रही है, फिर नोटपैड की, फिर इसकी, फिर उसकी, फिर इन सबको जैसे हम टाइप पे क्लिक करेंगे तो एक जैसी टाइप की फाइल एक साथ हो जाएंगी। ये देखिए अभी सारी, देखिए ये वाली फाइल एक साथ हो गई, ये वाली पीडीएफ फाइल सारी एक साथ हो गई, पावर पॉइंट की फाइल एक साथ हो गई। इस तरह आपको समझने में, ढूंढने में आसानी होगी। इसी तरीके से अगर आप आगे चलें और साइज पे क्लिक करें तो दो तरह से दिखाएगा। पहले आपको दिखाएगा जो सबसे बड़ी फाइल है उसका साइज, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट साइज पर, तो फिर आपको इस तरह दिखाएगा। सेव पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो फिर आपको कुछ ऐसे दिखाएगा कि जो सबसे लास्ट में पहले सेव हुआ था वो 3 जुलाई को सेव हुआ है इस फोल्डर के अंदर, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, इस तरह से आपको ये दिखाएगा। और लास्ट फाइल पे काम हुआ इस फाइल पे, जो कि काम हुआ था 14 जून के ऊपर, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको फाइल्स और फोल्डर की तरतीब को चेंज कर करके दिखाएगा ताकि आप इजीली अपना फाइल या फोल्डर उसमें सर्च कर लें। फिर आप एक्स्ट्रा लार्ज में देखना चाहते हैं, स्मॉल आइकन्स में देखना चाहते हैं, टाइल्स में देखना चाहते हैं, लिस्ट में देखना चाहते हैं, कॉन्टेंट में देखना चाहते हैं, प्रीव्यू ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, मीडियम आइकन्स में देखना चाहते हैं, डिटेल्स में देखना चाहते हैं, इसे देख सकते हैं। सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे तो आप उसको बाय नेम सॉर्ट कर दें, तो ये नाम के हिसाब से सबको सॉर्ट कर देगा, तरतीब दे देगा, स्टेटस के हिसाब से, डेट मॉडिफाइड के हिसाब से कि अभी लास्ट टाइम किस फाइल पे काम हुआ है, टाइप के हिसाब से सबकी टाइप्स को अलग अलग करके यहाँ पे वही सारा काम कर रहा है, ऑथर्स के हिसाब से, टैग के हिसाब से, टाइटल, लास्ट सेफ्ट के हिसाब से, तो ऐसे आपको दिखा देगा। ग्रुप करके अगर आप देखना चाहते हैं, बाय नेम ग्रुप कर देंगे तो 0 से 9 से शुरू होने वाले फोल्डर, ए से एच से शुरू होने वाले फोल्डर, और इस तरह दिखाएगा ग्रुप्स में करके। फिर आप स्टेटस के हिसाब से देख लें, फिर आप इसको डेट मॉडिफाइड में देख लें, तो डेट मॉडिफाइड करने में आज जिन फोल्डर पे काम हुआ है वो यहाँ दिखा रहा है, और फाइल्स में भी ऐसे ही दिखाएगा, लॉन्ग टाइम अगो जिस पे काम हुआ था वो इस तरह दिखाएगा, जिन फोल्डर फाइल पे आज काम हुआ है वो यहाँ दिखाएगा। फिर आइटम चेक बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या हो रहा था? इससे ये होता है कि आप मल्टीपल आइटम को सेलेक्ट करने लग जाते हैं, यानी कि एक चेक इधर लगाया, दूसरा चेक इधर लगाया, तीसरा चेक इधर लगाया, जैसे हम मोबाइल पे कर रहे होते हैं। और अगर इसको चेक हटा देंगे तो फिर ये एक पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पे क्लिक करेंगे, पहला डीसेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइल नेम एंड एक्सटेंशन का मामला आता है, तो अभी देखिए फाइल नेम एंड एक्सटेंशन से ये हो रहा होता है, जैसे ये फाइल्स है हमारी, इस फाइल के इसका नाम है DK123 और इसकी टाइप है .pdf। अगर मैं इस पर से चेक हटा दूंगा तो अब होगा ये कि मेरी फाइल का सिर्फ नाम नजर आएगा DK123, इसकी टाइप नजर नहीं आएगी। अगर मैं टाइप भी देखना चाहता हूँ तो अब हर फाइल की नाम भी नजर आ रहा है MUSDWG, और इस तरह से वर्दा .docx टाइप भी उसकी नजर आ रही है। हिडन आइटम पर से चेक हटाते हैं तो इससे क्या होगा? इसको समझने के लिए पहले हम एक फोल्डर को हाइड करते हैं, तो मैं आपके लिए कोई फोल्डर या फाइल को हाइड करने के लिए जपिया का फोल्डर, इस पर राइट बटन दबाया, प्रॉपर्टीज में गया, हिडन पे चेक लगाया, अप्लाई किया और ओके कर दिया, तो ये हाइड नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा फेड हो गया ये, सही है?
अब ये हाइड कब होगा, जब मैं इधर से चेक हटा दूंगा। जैसे ही मैं इधर से चेक हटाऊंगा तो आप वो देखेंगे कि वो ज़पिया वाला फोल्डर जो है यहाँ से हाइड हो चुका है। अगर मैं इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करके दिखाऊँ आपको, सपोज टू बी बाई नेम करके दिखा देता हूँ, तो ए एच से शुरू होने वाले आ गए, आई पी से शुरू होने वाले आ गए और क्यू जेड से। तो जेड वाले सेक्शन में कहीं भी ज़पिया वाला फोल्डर आपको नजर नहीं आ रहा। क्या हुआ, वो हाइड है, मौजूद है पर हाइड है। देखने के लिए आप इधर चेक लगाएंगे, जैसे ही चेक लगाएंगे तो वो देखें आपको विजिबल हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, देख रहे हैं। लेकिन वो दूसरे फोल्डर से अलग नजर आएगा, थोड़ा सा फैड हुआ हुआ होगा। और दोबारा यहाँ से चेक हटाएंगे तो दोबारा से हाइड हो जाएगा। इसका मतलब इस बटन पे चेक लगाने से हो ये रहा है कि छुपे हुए फोल्डर्स एंड फाइल्स आपको दिखा रहा है और चेक हटाने से वापस उसको छुपा रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसको नॉर्मल करना है तो पहले उसको विजिबल करना होगा। तो पहले विजिबल करने के लिए पहले हिडन फाइल पर चेक लगाएंगे और फिर इस फोल्डर पे दोबारा से राइट बटन दबाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से हिडन से चेक हटाएंगे, ओके करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। दोबारा से इसको हाइड करना है किसी फाइल को, तो इस पर क्लिक किया, यहाँ से भी यही काम सेम हो जाता है। और यहाँ से चेक हटा के आप उसको हाइड करके देख सकते हैं कि अब वो नज़र नहीं आ रही। और यहाँ से चेक हटाएंगे और उधर से चेक हटाएंगे तो वो दोबारा से आपको नज़र आने लग जाएगा हिडन फाइल्स एंड फोल्डर।